गुड मॉर्निंग। आज हम लोग पढ़ेंगे फ्यूचर टेंस में प्रयोग। फ्यूचर टेंस में प्रयोग का स्ट्रक्चर हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस शैल बी विल बी प्लस इन्फिनिटिव। इसका एग्जांपल देख लीजिए, मैं जाने वाला या जाने को रहूँगा, आई शैल विल टू गो। वह पढ़ने को रहेगा, ही विल बी टू रीड। मैं नहीं जाने को रहूँगा, आई शैल नॉट बी टू रीड। क्या राम जाने को रहेगा, विल राम बी टू गो। ये हो गया इंट्रोगेटिव एंड ये हो गया नेगेटिव। तो चलिए इस एक्सरसाइज के नोट को पहले देख लेते हैं। शैल या विल के बाद नॉट लगाकर नेगेटिव और शैल या विल को सब्जेक्ट के पहले रखकर इंट्रोगेटिव बनाया जाता है, ये तो आप लोगों को पता ही है। तो चलिए इस एक्सरसाइज को देखते हैं। यह एक्सरसाइज ऑक्सफोर्ड जूनियर इंग्लिश ट्रांसलेशन का एक्सरसाइज 70 है। इस एक्सरसाइज का पहला वाक्य, मैं जाने को रहूँगा। आई के साथ सेल्फी, आई सेल्फी टू गो। हम लोग मैच खेलने वाले रहेंगे। वी शैल वी टू प्ले द मैच। तुम परीक्षा देने को रहोगे। यू विल टू अपीयर एट द एग्जामिनेशन। वे प्रस्थान करने वाले रहेंगे। दे विल बी टू स्टार्ट। वह नहीं मरने वाला रहेगा। नेगेटिव हो गया ये। तो नॉट लग जाएगा। ही विल नॉट बी टू डाई। मैं दिल्ली नहीं जाने को रहूँगा। आई शैल नॉट बी टू गो टू दिल्ली। क्या वह जाने वाला रहेगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। वह एक साथ ही बिल लग जाएगा। विल ही बी टू गो। क्या सीता आने वाली रहेगी। विल सीता बी टू कम। क्या वे लोग मदद करने को होंगे। विल दे बी टू हेल्प। क्या आप जाने को रहेंगे। विल यू बी टू गो। क्या मैं परीक्षा देने वाला रहूँगा।
सेल आई वी टू अपीयर एट द एग्जामिनेशन. थैंक्स फॉर वॉचिंग.